और वही खबर अब बुलंदशहर से, जहां पिता को ग्लास देने दुकान जा रहे 10 साल की मासूम से ई रिक्शा चालक ने दुष्कर्म किया है। आरोपी ने जंगल में ले जाकर मासूम को हवस का शिकार बनाया। आरोपी के चंगुल से निकलकर पीड़िता बच्ची ने परिजनों को आपबीती सुनाई। पुलिस ने इस मामले में शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने बच्ची को भी मेडिकल के लिए भेज दिया गया। आपको बता दें कि यह घटना बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली के मोहल्ले की है। थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ जब वो अपने पिता को जूस के ग्लास देने के लिए जा रही थी, एक ई रिक्शे से वो लड़की जा रही थी, तो ई रिक्शे वाले ने उसको धोखे से सही रास्ते पे ना ले जाके दूसरे रास्ते पे ले गया और बच्ची का आरोप है कि उसने उसके साथ गलत काम किया है। बच्ची के माँ बाप के तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। बच्ची द्वारा ये भी बताया गया कि रास्ते में उसने ई रिक्शा वाले से के फ़ोन से अपने पिता को एक फ़ोन किया था और उस मोबाइल नंबर को ट्रेस करते हुए हम लोगों ने अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली है और आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। और वहीं एक और खबर बुलंदशहर से, जहां बीच सड़क पर पति पत्नी में हाई वोल्टेज ड्रामे का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पति ने पति पर दूसरी औरतों से अवैध संबंध होने की बात कही है। बता दें कि पुलिस की जीप में पुलिस के सामने पति पत्नी ने जमकर मारपीट हुई। पत्नी ने कार्रवाई ना होने पर आत्मदाह करने की भी धमकी दी है। पुलिस पति पत्नी को थाने ले जाकर समझाने में जुटी है। और वहीं बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली नगर के जेवर रोड चौकी सफा खाना का ये मामला है। और वहीं खबर अब मैनपुरी से है, जहां पर पंचायत निर्वाचन की नामांकन प्रक्रिया का जिलाधिकारियों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के साथ पुलिस के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह के साथ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय भी अपनी टीम के साथ वहां पर मौजूद रहे। और वहीं एक खबर अब कासगंज से, जहां विकासखंड सौरों में नामांकन प्रक्रिया चल रही है, वहीं पुलिस प्रशासन हैडपंप पर पानी पीते दिखा, जबकि ब्लॉक प्रशासन द्वारा पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जब इस खबर को मीडिया ने उठाया तो जिम्मेदार इधर उधर भागते दिखाई दिए गए। और वहीं अब खबर मेरठ से, जहां जमीयत उलमा द्वारा कलेक्टर पर अपनी आवाम के साथ पहुंचा जिलाधिकारी महोदय से कुर्बानी के त्यौहार पर क्षेत्र में सभी व्यवस्थाओं को लेकर पत्र के रूप में ज्ञापन दिया गया है। इस पर शहर काजी ने बताया कि ईद का त्यौहार पर कुर्बानी को लेकर कई प्रकार की समस्या में आने को लेकर जिलाधिकारी को अवगत कराया गया है कि कुर्बानी के समय पूरे दिन क्षेत्र में पानी की व्यवस्था और लाइट की व्यवस्था की जाए, जिससे सड़कों पर कुर्बानी की गंदगी ना फैल सके और मस्जिदों में 1000 लोगों के नमाज पढ़ने की भी अनुमति दी जाए, जिससे प्रत्येक मस्जिद में 200 से 200-200 लोग ईद की नमाज अदा कर सकें। साथ ही सरकारी ने बताया कि जिस प्रकार ईद के त्यौहार से पहले कांवड़ यात्रा को शासन द्वारा हरी झंडी दी गई है, उसी के संदर्भ में क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेशन सभी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस फोर्स का इंतजाम करे और जिस मुस्लिम इलाके से कांवड़ियों का जत्था निकलेगा वहां पर अलग से पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कराई जाए। इन सब तमाम बातों को लेकर शहर काजी ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द अपना प्रस्ताव बताकर जिलाधिकारी को अवगत कराया। हमारा जमीतुल्ला शहर मेरठ का एक डेलीगेशन आज जिलाधिकारी से मिला है, क्योंकि 20 तारीख को ईद उल जुहा का त्यौहार हो सकता है जो 20-21-22 तीन दिन तक चलेगा, तो उसके लिए हमने आपसे दरख्वास्त की है कि एक तो पानी बिजली और सफाई की व्यवस्था हो, दूसरी चीज़ ये है कि गलियों के अंदर स्ट्रीट लाइटें टूटी पड़ी हैं उनको ठीक कराया जाए, शहर के अंदर सड़कें मस्जिदों के पास टूटी पड़ी हैं उनको ठीक कराया जाए। इसके अलावा ईदगाह के अंदर ख़ासतौर पर हमने नमाज के लिए
आपसे अपील करिए कि जब सिनेमा घर भी खुलने हैं और सारे सब चीज़ खुल गई है, लॉकडाउन करीब करीब समाप्त हो गया है, तो कम से कम हमें ईदगाह के अंदर लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम 1,000 आदमियों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए।